अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और न्यू वीडियो के अंदर आप सबको खुशामदीद। भाई आज हम आए हैं अपनी भैंसों के बारे में, और आज हमारी एक भैंस है ना, उसने बच्चा दिया है। बच्चा तो आपको पता है, जब भैंस बच्चा देती है तो उसके बाद जो उसका पहली मरतबा वाला दूध होता है उसको बोली कहते हैं, और उससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं। लेकिन हम अपने गांव के अंदर आज आपके साथ खाएंगे उस दूध से बनी हुई मिठाई, और उसको कैसे बनाते हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले हम आपको दिखा दें अपनी भैंस का बच्चा। आए भाई आए, आए। ये हमारी भैंस है माशाल्लाह, इसने बच्चा दिया है और इसका बच्चा ये है, ये इसका बच्चा है माशाल्लाह, कितना खूबसूरत बच्चा है। लेकिन इसने जो दूध दिया है ना भैंस ने, उससे मिठाई कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाते हैं अभी। चलिए अभी फटाफट हम तैयार करते हैं अपनी मिठाई को बनाना, ठीक है? कैसे बनाते हैं ये मिठाई, और देखें सारा सामान हमारे पास आ चुका है। फटाफट शुरू करते हैं और कैसे बनाते हैं, और फिर आपके साथ मिलकर हम खाएंगे इंशाल्लाह, इंजॉय करेंगे। नाम है आपका भाई? मोहम्मद यासीन। अच्छा, मुंह तो ठीक कर दो। तो ये आग जला दी भाई, मुझसे ज़्यादा जो तकड़ होती है ना वो इसको होती है, ठीक है? मैं बनाता हूँ चीज़ें और खाता यही है। तो चलें भाई फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने अपनी मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले डाला बोली वाला दूध, उसके साथ में हम आम जो सादा दूध है उसका भी एक कप डालेंगे। तो 3 चम्मच इसमें हम डालेंगे चीनी, यहाँ पर इसका चम्मच हिलाते ही रहना है ताकि ये जो दूध है बोली का वो नीचे ना लग जाए। बोली जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मिठाई बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी, और सूजी को हम पहले तेल में डालता में जो है वो भुनेंगे। तो अभी वो दूसरा स्टेप शुरू है। भुनी हुई सूजी जो थी वो हमने डाल दी है बोली के दूध में। अब हमारी जो रेसिपी थी वो है बिल्कुल तैयार होने को। इसके बाद हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे फ्रिज में, उसके बाद लेंगे इसका मज़ा। तो फाइनली भाई हमारा जो बोली का दूध था उससे जो हमने मिठाई और हलवा बनाना था वो हो चुका है तैयार। इसको हमने फ्रिज में भी रखा, ये ठंडा भी हो चुका है। अभी इसको खा के आपको बता देंगे इसका टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा है भाई, बेहतरीन है माशाल्लाह। साथ में इसमें ताकत भी बहुत अच्छी होती है। घर में जो बूढ़े होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको खिलाना चाहिए, इसमें कैल्शियम बहुत है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।